उत्तर प्रदेश में अपराधी किस तरह अपराध को अंजाम दे रहे हैं इसका अंदाजा आप लगा नहीं सकते। ऐसा ही एक मामला अपराधियों के द्वारा बलिया जनपद में देखने को मिला, जहां बेखौफ अपराधियों ने पत्रकार की गोली मारकर हत्या कर दी। आपको बता दें कि बलिया जनपद के सहारा समय टीवी चैनल के पत्रकार रतन सिंह जो फेफना थाने में कहीं जा रहे थे तो अज्ञात बदमाशों के द्वारा उन्हें गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। मौत की खबर लगते ही बलिया के पत्रकार जगत में अफरा तफरी मच गई और सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच गई और जांच में जुट गई। इस दौरान पुलिस ने कार्रवाई करते हुए फिलहाल 3 लोगों को हिरासत में ले लिया है। अब किसके साथ हुई है सर, क्या हुआ है? रतन सिंह फेफना के ही रहने वाले हैं जी। इनके साथ आज एक घटना हुई है, ग्राम प्रधान के कैंपस के अंदर उनके घर के। क्या घटना हुई सर? गोली मार करके उनकी हत्या कर दी गई है जी। उसके तथ्यों और कारणों का सबका पता किया जा रहा है और जो तथ्य पता चले हैं उससे यह पता चलता है कि पूर्व में इनके पटीदारों से कुछ विवाद था, उस विवाद के संदर्भ में ही यह घटना कारित हुई है। सर अभी तक सर क्या आरोपियों को क्या सर अभी तक कितने आरोपी सर इसमें हैं और कब तक आरोपियों को अरेस्टिंग हो जाएगी? जितने भी आरोपी हैं अभी पता उनके किए जा रहे हैं, जितने भी आरोपी हैं सबको बहुत ही शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिया। अभी सब चीजों का पता लगाया जा रहा है। कौन थे, क्या करते थे सर, ये तो बता दीजिए। रतन सिंह बताया जा रहा है कि शहर में रिपोर्टर थे, अब इन चीज़ों का भी गहराई से पता।